मित्रों आप सबों को जय यीशु। आइए हम मनन चिंतन करें प्रभु यीशु के जीवंत वचन के ऊपर। एक फरीसी प्रभु के पास आता है और उनकी परीक्षा लेने के मान से वह उनसे पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, और प्रभु यीशु उनके ही धर्मग्रंथ यानी कि पुराने विधान से दो वचन लेते हैं और सारी संहिता का सार उन दो वचनों से उन्हें समझाते हैं। और इन दोनों आज्ञाओं में प्रेम केंद्र है, यानी जितनी भी आज्ञाएं हैं उनका केंद्र जो है, और या तो फिर हम कहें सबसे बड़ी आज्ञा जो है वो प्रेम की आज्ञा है। प्रभु यीशु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 5 से उदाहरण लेते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, सबसे प्रथम आज्ञा है अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी आत्मा से प्यार करो। शास्त्री और फरीसी लोग या यहूदी धर्म गुरु इस आज्ञा का बहुत अधिक प्रचार करते थे, इस आज्ञा को बहुत गंभीरता से लेते थे और इस आज्ञा को लोगों को बहुत अधिक सिखाते थे। यहां पर अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी शक्ति से प्यार करने को कहा गया है, यानी अपनी सारी दौलत, अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे धन, अपनी सारी प्रतिभाओं से, अपनी सारी क्षमताओं से हमें प्रभु को प्यार करना चाहिए। अपने सारे दिल से प्रभु को प्यार करने की बात कही है, यानी हमें हमारे पूरे जीवन से प्रभु को प्यार करना है। अपनी सारी आत्मा से यानी हमारी सारी आध्यात्मिकता प्रभु के प्रेम से प्रेरित होनी चाहिए, और अपनी सारी बुद्धि से यानी हमें यह अच्छी तरह से सोचना और समझना है कि हम प्रभु ईश्वर की एक अमूल्य कृति हैं, सृष्टि में श्रेष्ठतम कृति हम मनुष्य हैं, और हम मनुष्यों को सोचने समझने की शक्ति ईश्वर ने दी है। उस ईश्वर की उस महानता को स्वीकार करते हुए, उस प्रभु को सोचते समझते हुए हम उससे प्यार करें, ये पहली आज्ञा है। तो जब हम हमारे प्रभु ईश्वर को इस प्रकार से प्यार करेंगे, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी आत्मा से, तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रभु से प्यार किया है। यानी कुल मिला के प्रभु यीशु उस फरीसी को और अपने अनुयायियों को यह बतलाना चाह रहे थे कि हमें अपने प्रभु ईश्वर को अपने सर्वस्व से प्यार करना चाहिए, हमारे प्रभु ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए, हमारी सारी शक्ति, हमारी सारी बुद्धि, हमारा तन मन धन प्रभु को प्यार करने के लिए लगाना चाहिए, मेरे कार्यों के द्वारा मुझे प्रभु को प्यार करना चाहिए, मेरे परिवार में मुझे प्रभु को स्थान देना चाहिए, मेरे पढ़ाई लिखाई में मुझे प्रभु को प्रथम स्थान देना चाहिए, यानी प्रथम स्थान प्रभु का मेरे जीवन में होना चाहिए। और जब मैं प्रभु को प्रथम स्थान दूंगा मेरे हर एक कार्य में, मेरे हर एक बोलचाल में, मेरे हर जीवन की गतिविधि में, यदि मैं प्रभु को पहले लाऊंगा और प्रभु को प्यार दिखलाऊंगा तो मैं स्वयं प्रभु के प्रेम से भर जाऊंगा, प्रभु मुझे अपने अनंत प्रेम से भर देंगे। प्रभु का वचन कहता है यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 3 में, मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। प्रभु ने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है, वो प्रेम हमें वो उंडेल देंगे, और जब हम उस प्रेम से भर जाएंगे तब फिर दूसरी आज्ञा आती है जहां प्रभु कहते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 18 से लिया गया है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के लिए हमें सबसे पहले ईश्वर के प्रेम से भरने की जरूरत है। जब प्रभु हमें अपने प्रेम से भर देंगे तो स्वतः ही वह प्रभु का प्रेम हमारे हृदयों से अपने भाई और अपने बहनों के लिए उमड़ पड़ेगा। प्रभु की इस आज्ञा को हम प्रभु यीशु के क्रूस से अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पे इन दोनों आज्ञाओं को एक साथ मिला दिया है। क्रूस दो लकड़ियों से बना हुआ होता है, एक खड़ी लकड़ी और दूसरी आड़ी। खड़ी लकड़ी
पिता ईश्वर से हमारे प्रेम को दर्शाती है, ईश्वर और मनुष्य के बीच के प्रेम को दर्शाती है, और आड़ी लकड़ी मनुष्य का अन्य मनुष्यों के साथ प्रेम को दर्शाती है। और इन दोनों प्रेम को प्रभु यीशु ने कलवारी पर बलिदान देकर एक साथ जोड़ दिया है और हमें सिखलाया है कि किस प्रकार से पिता को प्यार करना है, किस प्रकार से मानवता को प्यार करना है। क्रूस हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है सारी आज्ञाओं को जहाँ पर प्रभु यीशु ने जोड़ा है। आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने प्रेम से भरें, उनका वो अनंत प्रेम जो हमेशा अपने लोगों के लिए उमड़ता रहता है, हम सबके हृदय में प्रभु वही प्रेम भर दें, ताकि उसके प्रेम से भरपूर होकर हम उनके उस प्रेम को हमारे भाई बहनों के साथ बांट सकें। हम पिता ईश्वर से प्रेम करें और अपने भाई बहनों से अपने समान प्यार कर सकें। आमीन। We'll be right back.